खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से आ रही है, जहां पार्षद शिव वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान मिलता है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम नहीं हो रहा था। साथ ही 3 साल से किस्तें जारी नहीं हो रही थी। फिलहाल भाजपा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। वही पार्षद शिव वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। बिना कमीशन के किस्तें जारी नहीं हो रही। राजनांदगांव से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि हर गरीब का पक्का मकान हो, क्योंकि गरीब आदमी जीवन में कमाता है पर अपने बेटा बेटी के लिए पक्का मकान बना नहीं पाता। पर इस देश के प्रधानमंत्री के बड़ा अफसोस था कि यार गरीब का पक्का मकान हो, यदि खाली जमीन तो उसे मकान बना दिया जाए, कच्चे मकान तो पक्के किए जाए। परंतु निगम प्रशासन को आज मजबूरी में हम सबको आना पड़ा, बताना पड़ा कि प्रधानमंत्री में जो भ्रष्टाचारी जो चल रहे हैं उस खेल को तत्काल बंद करे, गरीब आदमी को पैसे डिमांड ना करे, क्योंकि लगातार शिकायत में रहता। मैंने भी कई वार्डों में जब देखा गया तो वहाँ कई लोगों ने कहा कि भाई हमको तीसरा किस्त मिल चुका पर चौथा किस्त 1 साल हो गया। भाई तीसरा किस्त मिल गया तो चौथा किस्त 1 साल क्यों लगेगा? तो पता चला उसमें पैसे की डिमांड कर रहे हैं, काम चालू मकान बनाने चालू करने पहले पैसे मांग करते हैं, इसका भी शिकायत आया। जियो टेकिंग करने के बाद उसमें भी पैसे मांग करते हैं, जियो टेकिंग हो गया अब आपका पैसा आएगा 5 साल मदद करो। ऐसे तमाम विषय हैं। कन्हारपुरी गया था मैं, कन्हारपुरी में देखा कि मार्च अप्रैल में कच्चे मकान को तोड़ा दिया उस आदमी ने, किराए में चले गए पर मकान उसका बनना चालू नहीं हुआ, बरसात चल रहा है। कितना तकलीफ है, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री सोच है उसके अनुरूप काम होना चाहिए। परंतु यहाँ पे निगम प्रशासन इस पे अंकुश लगाना चाहिए, ऐसे इंजीनियर पर ऐसे अधिकारी पर जो गलत तरीके से गरीबों से पैसे की मांग करते हैं। इसके लिए आज हमारे कुछ सदस्यों के द्वारा दबंग ग्रुप के द्वारा निगम आयुक्त ज्ञापन चर्चा करना था, पर निगम आयुक्त किसी कारण से बाहर चले गए तो डिप्टी कमिश्नर से चर्चा हुआ। कमिश्नर ने कहा हम इसमें अति शीघ्र निर्णय लेंगे और गलत व्यक्ति है जो पैसे गरीबों से मांग करते हैं उस पर अंकुश लगाया जाएगा। ये अधिकारी ने हमको आश्वस्त किया और मैं चाहूंगा कि कोई भी आदमी शहर के किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बनाता है तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पैसा ना दे। ये हम लोग का निवेदन उनसे कि हितग्राही ले दे के पैसा जोड़ के मकान बनाता है और ये बीच के जो पैसा जो मांग के वो गलत है, इस बात को लेकर चर्चा हुआ। उन्होंने एक ज्ञापन दिया वैध वसूली को लेकर उनकी शिकायतें हैं और भुगतान में जो विलम्ब के संबंध में उन्होंने शिकायतें की। मैं उन्हें आश्वस्त किया कि हम पर्सनली जो कल बैठक लेंगे डिटेल उसमें समीक्षा करेंगे, इंचार्ज के साथ जो जो भी पीएमएवाई के इंचार्ज हैं टोटल कंसल्टेंट हैं उनके साथ बैठकर पूरे विस्तृत पर चर्चा की जाएगी। जो भी भुगतान में विलम्ब हो रहा है वो शीघ्र से शीघ्र जो है शॉर्ट आउट किया जाए।